Dear IITians and IITians, future doctors, thanks for subscribing, viewing the videos, liking and sharing. और आज एक कह सकते हैं कि crucial, one of the very crucial topics हम लोग discuss करने वाले हैं, that is graphs. और graphs भी particularly, मैंने यहाँ पे bracket में लिखा हुआ kinematics, but graphs तो लगभग लगभग पूरी physics में हर एक topic में कहीं ना कहीं use होते हैं. And since you always know, you already know कि mathematics is the language of physics, तो कुछ ऐसे ग्राफ्स हैं काइनेमेटिक्स में जो कि ग्राफ कन्वर्जन फ्रॉम एक्सेलरेशन टू टाइम ग्राफ टू वेलोसिटी टाइम ग्राफ टू डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ टू डिस्टेंस टाइम ग्राफ टू स्पीड टाइम ग्राफ. तो ये कन्वर्जन्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये आने चाहिए. आज सारी की सारी कोशिश करते हैं कि इसी पर्टिकुलर वीडियो में इस पर पूरा का पूरा रिसर्च करते हैं अपन. लेट्स से एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं लेता हूं कि कोई पार्टिकल है जिसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ वाई एक्सिस पे एक्सेलरेशन, एक्स एक्सिस पे टाइम लिया हम लोगों ने यहां पे, एंड लेट्स से उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, बीट एनी वैल्यू. लेट्स से द वैल्यू इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कांस्टेंट पार्टिकल इज मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन. कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलता हुआ पार्टिकल, अभी इसका अगर हम लोग को इसी पर्टिकुलर ग्राफ को अगर बोल दिया जाए कि इसी पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताओ, हियर वी रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी, एंड हम लोग को इनिशियल कंडीशन पार्टिकल की ना दियो. देखो दो चीजें हो सकती हैं, या तो इनिशियल कंडीशन पार्टिकल की दियो या फिर ना दियो. तो जैसे मान लो कि अगर इनिशियल कंडीशन नहीं भी दी, बट ये तुम्हें दिख रहा है कि एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज नहीं हो रहा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे कांस्टेंट. दिस मींस दैट, अच्छा कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज डायरेक्टली इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, दैट इज वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी. माइंड यू वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस. These equations will only be used for constant acceleration cases. Variable के लिए तुम्हें भी पता है हम लोग calculus use करते हैं, उसको हम लोग discuss भी करेंगे, यहाँ पे एक example लेंगे. यहाँ पे v is equal to u plus at, इसका मतलब purely तुम्हें दिखना चाहिए कि velocity is a function of time here, then this must be a linear graph. y is equal to mx plus c, this is mx and this is c, this is y intercept. इसका मतलब y intercept के साथ क्या हो सकता है, this u can be anything, velocity, initial velocity can be minus 3 meter per second, initial velocity can be 0 meter per second, initial velocity can be plus 3 meter per second. तो इसका मतलब graph की possibilities क्या बनती हैं, since initial condition is not given to you, therefore you can say या तो graph कुछ ऐसा बन जाए, origin से start करता हो, या फिर एक positive y intercept के साथ where the slope is constant, या फिर कुछ ऐसा. तीनों पॉसिबिलिटीज आर देयर, अगेन आई एम रिपीटिंग, इफ इनिशियल कंडीशन इज नॉट गिवन. इफ इनिशियल कंडीशन इज गिवन कि भाई पार्टिकल की इनिशियल स्पीड ही जीरो है, इनिशियल स्पीड जीरो है तो इसका मतलब प्योर हो गया कि बिल्कुल ये वाला ग्राफ होना चाहिए, y इज इक्वल टू एम एक्स वन. तो एक्सेलरेशन टाइम को हम लोगों ने यहां पर वेलोसिटी टाइम पे कन्वर्ट कर दिया. नाउ अगर बोला जाए कि इसी vt को हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम में अगर कन्वर्ट करें, फॉर एग्जाम्पल लेट सेलेक्ट दिस, लेट्स से इनिशियल स्पीड u इज जीरो, इसको सेलेक्ट करके अपन डिस्प्लेसमेंट टाइम बनाते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. नाउ इसमें भी तुम लोग को यह पता होना चाहिए कि इनिशियल पोजीशन पार्टिकल का क्या था. पार्टिकल हो सकता है x इज इक्वल टू जीरो पे हो, पार्टिकल हो सकता है x इज इक्वल टू प्लस 5 मीटर पे हो, पार्टिकल हो सकता है x इज इक्वल टू माइनस 5 मीटर पे हो. तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाऊंगा यहां पे, तो वो यहां से भी स्टार्ट हो सकता है, यहां से भी स्टार्ट हो सकता है, यहां पे भी स्टार्ट हो सकता है. बट हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि उसका स्ट्रक्चर कैसा बनना चाहिए, गेटिंग इट. हम लोगों ने तो यू जीरो ले लिया, तो फिर इसकी इक्वेशन क्या हो गई वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, वी बिकम्स इक्वल टू यू इंटू टी. If v is equal to u into t, ठीक है. अच्छा अब
वी कैन यूज कैलकुलस हियर और वी कैन ऑल्सो यूज इक्वेशन ऑफ मोशन क्योंकि ये कॉन्स्टेंट एक्सिलरेशन केस है, तो कैलकुलस से भी करके एक बार देख लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ निकालने के लिए हम लोग क्या रिलेशन लिख सकते हैं टाइम के रिस्पेक्ट। वी कैन बी रिटन एज वी एक्स बाई डी टी वेयर एक्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, सॉरी दिस इज वी इज इक्वल टू ए टी, दिस इज ए इंटू टी, ए इज अ कॉन्स्टेंट वैल्यू। नाउ वी कैन से दैट दिस कैन बी रिटन एज ए टी डी टी, इसको अपन दोनों साइड इंटीग्रेट कर सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू टाइम ऑन दिस साइड, ठीक। ऑब्वियसली डीएक्स का इंटीग्रेशन वी गेट एज एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज इक्वल टू हियर टी डी टी बिकम्स हाफ ए टी स्क्वायर, ए बाहर आ जाएगा, प्लस सम कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। क्या दिख रहा है? पैराबोलिक शेप, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, गेटिंग इट। यहां पे टी को अगर वेरिएबल कंसिडर किया जाए यहां पे, तो दिस इज अ बेसिकली अ क्वाड्रेटिक फंक्शन, ठीक है। दिस एक्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम वेयर टाइम्स डिग्री इज टू, गेटिंग इट। तो इसका मतलब ये कर्व का स्ट्रक्चर लेना चाहिए, और जहां भी मैं बात कर रहा था इसी पर्टिकुलर वीडियो में कि सी की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है। मान लो सी जीरो है, तो अगर जीरो है तो ग्राफ कहां से स्टार्ट करना चाहिए? ग्राफ स्टार्ट्स फ्रॉम हियर एंड गोज लाइक दिस, पैराबोलिक, क्लियर। अगर सी की कुछ नेगेटिव वैल्यू है तो यहां से स्टार्ट होकर ऐसे चला जाएगा, अगर सी की कोई पॉजिटिव वैल्यू है तो यहां से स्टार्ट होकर ऊपर चला जाएगा। गॉट दिस एग्जांपल, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। एक नेक्स्ट लेते हैं, पॉज करके नोट कर सकते हैं इसको। कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन का तो केस ले लिया, एक वेरिएबल एक्सेलरेशन का केस ले लेते हैं। लेट्स से अ पार्टिकल हैज समवॉट एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ लाइक दिस, ठीक है, कुछ ऐसा। एक्सेलरेशन स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो एंड तुम्हें ये सीधी लाइन दिख रही है, दिस इज अ लीनियर फंक्शन, ठीक है। कुछ भी हो गया, a बराबर t हो गया, a बराबर 2t हो गया, तुम इसको लिख लो ऐसे कुछ, a बराबर k into t, where k is some constant, अपना ही राज है, k की वैल्यू कुछ भी मान ले, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ सिंस a इज इक्वल टू kt, सिंस दिस इज नॉट अ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन केस, इसका मतलब क्लियर है कि कैलकुलस इन्वॉल्व करना है। क्यों? क्योंकि v इक्वल टू u प्लस at, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s से काम नहीं चलेगा, वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए इक्वेशन होती है। तो a बराबर k into t है, a को अपन लिख सकते हैं, लेट्स से हम लोगों को टारगेट दिया गया है, लेट्स से v वर्सेस t, वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर हम लोगों को बनाना, v रिप्रेजेंट्स हियर टू वेलोसिटी, और k की वैल्यू कुछ भी ले लो, लेट्स से k इक्वल्स टू 2, सो एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज dv बाय dt, वेयर वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ t, इज इक्वल टू 2t लिख सकते हैं इसको, फिर फटाफट इसको एक साइड पे कलेक्ट करते हैं t के टर्म्स, 2t dt दोनों साइड इंटीग्रल मारते हैं, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बिकम्स t dt बिकम्स t स्क्वायर बाय 2, 2 इंटू टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सम कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। इसका मतलब अब अगेन वही जो पिछले केस में हम लोगों ने चीज सीखी, जो ये सी आ रहा है अपने पास, वो ग्राफ को या तो ओरिजिन से स्टार्ट करवाएगा, अगर वो जीरो हो गया, अगर वो पॉजिटिव हो गया तो थोड़ा ऊपर से, और अगर नेगेटिव हो गया तो थोड़ा सा नीचे से। वी कैन से दैट लेट्स से हम लोग एक जनरल ग्राफ अगर इसका बना दें, और ये जो आया है वेलोसिटी हम लोग के पास, दैट इज टी स्क्वायर प्लस सी, और हम लोग सी को यहां पे पॉजिटिव लेके चलते, और अगर सी जीरो होता तो कुछ ऐसा, अगेन अ पैराबोला, वेलोसिटी इज अ क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ टाइम है, ठीक है, टाइम की डिग्री 2 है, या फिर अगर सी नेगेटिव हो जाता तो कुछ ऐसा हो जाता, ठीक। यहां पे एक और चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अच्छा पहले एक काम कर लेते हैं, पहले डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की फटाफट देख लेते हैं। तो v इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस सी, सी इज पॉजिटिव, सम पॉजिटिव वैल्यू, तो इसी को अपन मॉडिफाई करके अगर लिखें तो v को अपन लिख सकते हैं क्या,
dx by dt, x is a function of time, equal to t square plus some c, ठीक है, ओके, सेपरेट करते हैं, दोनों साइड इंटीग्रल लगाने की कोशिश करते हैं, t square dt plus c dt, इंटीग्रल का रूल आई थिंक पता होगा कि इंटीग्रल ऑफ a plus b वेयर द रेस्पेक्ट, किसके रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हो, तो उसको हम लोग दोनों को अलग अलग टर्म डिवाइड कर सकते हैं दोनों टर्म्स को. सो दिस बिकम्स t क्यूब बाई थ्री प्लस सम कॉन्स्टेंट इंटू t प्लस सम अनदर कॉन्स्टेंट c1 लेट्स, ठीक है. तो यहां से हम लोग को सिंपली दिख रहा है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज ऑफ सी एंड सी वन एंड ऑल एंड सी कुछ ऐसा बन जाना चाहिए, ये भी एक कर्व बनना चाहिए, क्यूबिक बन गया बेसिकली. सो डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बिकम्स टी क्यूब प्लस सी टी प्लस सी वन, वेयर सी एंड सी वन आर कॉन्स्टेंट्स. तो ये तरीका यार ग्राफ्स वगैरह कन्वर्ट करने को, और क्या इसमें कुछ और चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं कि अगर किसी वेलोसिटी टाइम ग्राफ को स्पीड टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करना हो, ये भी एक बार चेक कर लेते हैं, इसको पॉज करके आप नोट कर सकते हैं एग्जांपल. तो कन्वर्जन देखते हैं. लेट्स से वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ यार कुछ ऐसा दिख रहा है. ठीक है, वेलोसिटी लेट्स से इधर कहीं माइनस फाइव मीटर पर सेकेंड, और एक लीनियर फंक्शन कहां तक जा रहा है ये वेलोसिटी, लेट्स से प्लस फाइव मीटर पर सेकेंड. अब इसको हम लोग कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट वेलोसिटी टाइम टू स्पीड टाइम. ठीक है, स्पीड टाइम कैसा बनेगा, ये स्पीड टी. देखो यार स्पीड क्या है, स्पीड इज बेसिकली द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी. ठीक है, यहां पे मैं मॉड बी से इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं. सो जितना भी नेगेटिव पार्ट है वो पॉजिटिव की तरफ, इसका मतलब पहला जो हिस्सा है लेट से ए टू बी, ये प्लस फाइव मीटर पर सेकेंड से जीरो की तरफ जाएगा यार. ठीक है, कंप्लीटली मिरर इमेज इस पार्ट की, जो नेगेटिव पार्ट है उसका एक्स एक्सिस को एक मिरर मान लो, एक्स एक्सिस को मिरर मान लो, और इस पार्ट की मिरर इमेज बना दो, वो तुम्हें स्पीड टाइम ग्राफ दे देगा. और जो बाकी पॉजिटिव वाला हिस्सा था वो बिल्कुल वैसे ही है. दिस इज हाउ स्पीड टाइम ग्राफ वुड बी प्लॉटेड. क्लियर, ध्यान रखना जो नेगेटिव पार्ट है उसका बेसिकली तुम मिरर इमेज बना दोगे एक्स एक्सिस को मिरर मानते हुए. क्लियर, ऐसा ही एक एग्जांपल लेते हैं, पॉज करके तुम लोग नोट कर सकते हो. ऐसा ही एग्जांपल लेते हैं जिसमें अपन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे. लेट्स से किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन टाइम ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है, लेट्स से कुछ ऐसा, समथिंग लाइक दिस, यहां से यहां तक ऐसे आ रहा और यहां से ये ऐसे हो जा रहा. ठीक है, सिमेट्री है, दिस इज बेसिकली ग्राफ्स आर सिमेट्री अबाउट दिस पॉइंट. इधर से देखोगे ऊपर की तरफ और इधर से नीचे की तरफ सिमेट्रिक है. अगर इसी का मुझे डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है, फिजिक्स पढ़ने वाले हर एक विद्यार्थी को यह पता होना चाहिए कि डिस्टेंस या तो जीरो हो सकता है या फिर पॉजिटिव हो सकता है. कहीं तुम किसी भी पॉइंट से मूव करते हो तो कहीं भी मूव करते हो, भले तुम वापस आ जाते हो उस पॉइंट पे, तो तुम्हारा कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर्ड है, या तो जीरो है तुम वहीं पर खड़े हो, तो डिस्टेंस या तो जीरो होगा या फिर एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगा. इसका मतलब ये जो हिस्सा है ना डिस्प्लेसमेंट का, जैसे हम लोगों ने वेलोसिटी टाइम को स्पीड टाइम ग्राफ में कन्वर्ट किया, इसका उठा के मिरर इमेज रख दो वैसे ही के वैसे, लाइक दिस.
नाउ अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे जो कंसिडर अपन कर सकते हैं कि क्या डिस्टेंस टाइम ग्राफ नीचे की तरफ जा सकता है? नहीं जा सकता, डिस्टेंस कैन नेवर डिक्रीज। ठीक, तो यहां पे अगर देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो इंक्रीज ही इंक्रीज कर रहा है, तो यहां से डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे जाना चाहिए? बिल्कुल ऐसा। और जिस पॉइंट से डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ पॉजिटिव में आ चुका है वैसा ही उसी पॉइंट से ओरिजिनेट करके डिस्टेंस टाइम ग्राफ बन जाएगा। इसका मतलब ये चला जाएगा, ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा नेगेटिव वाला पार्ट, और जो ये हिस्सा था पॉजिटिव वाला पार्ट वो एज इट इज रहेगा, लेकिन स्टार्ट वहीं से होगा। तो कहीं भी इसको देखा जाए तो ये डिक्रीज नहीं किया। गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, अब इसमें एक और काम हम लोग कर सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि ये यहीं से स्टार्ट हो। ठीक है, तुम इसको यहां से भी स्टार्ट करवा सकते हो, एंड दिस कैन गो लाइक दिस ऑल्सो, दिस इज करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, बट यू कैन नॉट स्टार्ट फ्रॉम हियर। व्हाई? बिकॉज डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। क्लियर? एक और एग्जांपल है, तो एक बढ़िया एग्जांपल लेते हैं कि एक बॉल को थ्रो किया गया है ऊपर की तरफ विथ सम पर्टिकुलर वेलोसिटी फ्रॉम ग्राउंड, और ऑब्वियसली बॉल रीचेज अ मैक्सिमम हाइट और उसके बाद वो ग्रेजुअली फिर से नीचे ही आ जाता है उसी पॉइंट पर। मान के चल रहे हैं कि एयर रेजिस्टेंस वगैरह कुछ नहीं है, विस्कस फोर्सेस, एयर ड्रैग फोर्सेस नहीं है, एंड ओनली ग्रेविटी इज एक्टिव। ठीक, ये केस है। अच्छा, क्योंकि जब भी हम लोग वेक्टर्स की बात करते हैं और स्पेशली जब डायरेक्शंस की बात कर रहे होते हैं, तो तुम्हें कुछ ना कुछ अजम्पशन लेना होता है कि किस डायरेक्शन को तुम क्या मान रहे हो। लेट्स से मैं ऊपर की डायरेक्शन को इस बॉल के लिए पॉजिटिव मान रहा हूं, तो ऑटोमेटिकली नीचे का डायरेक्शन जो हो गया नेगेटिव आ गया। यू कैन गो ऑल्सो द अदर वे अराउंड, तुम ऊपर को नेगेटिव मान सकते हो, नीचे को पॉजिटिव, लेकिन फिर पूरे प्रॉब्लम में तुम्हें उसी हिसाब से कन्वेंशन लेना पड़ेगा जो तुमने इनिशियली लिया है। अच्छा, पहले इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं। तो किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से तुमने थ्रो किया ऊपर की डायरेक्शन, और ऊपर की डायरेक्शन तुमने पॉजिटिव मान, तो इसका मतलब यहां पे स्पीड मैक्सिमम रही होगी, और मैक्सिमम हाइट पे स्पीड कितनी हो जाएगी? जाके जीरो हो जाएगी। यहां से ये जीरो हो गया, मैक्सिमम से स्टार्ट किया और जीरो हो गया। जब ये मैक्सिमम हाइट पे आया तो अब नीचे की तरफ आने वाला है, और अब इसकी स्पीड इंक्रीज होने वाली है, बट वेलोसिटी किस तरफ आने वाली है? नीचे की डायरेक्शन। द ग्राफ वुड बी समथिंग लाइक दिस। अगेन ऑन बाउंसिंग, मान के चल रहा हूं कि परफेक्ट कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन है, ये बिल्कुल सेम पॉइंट तक ऊपर जाने वाला होगा। खैर, जिन लोगों ने कोलिजन सभी नहीं पढ़ा होगा, जो लोग अभी 11th पे होंगे और काइनेमेटिक्स देख रहे होंगे, तो इलास्टिक कोलिजन का मतलब ये होता है कि देयर इज नो एनर्जी लॉस। उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, बट अभी फिलहाल के लिए ये समझो कि अगर यहां पे इलास्टिक कोलिजन होता है तो बॉल मैक्सिमम हाइट पे ही रीच करेगा, तो ये ग्राफ बिल्कुल ऐसे ही सीरीज कंटिन्यू करता है, समथिंग लाइक दिस। इसको एक्सटेंड कर लेते हैं अपन, और ऐसे ही तीसरा लाइन, चौथा लाइन, पांचवा लाइन, अगर सक्सेसिव इलास्टिक कोलिजन होते गए तो। ठीक, इसी को अगर सवाल बनाने वाले ने बोल दिया कि कन्वर्ट दिस ग्राफ इनटू डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। इंटरेस्टिंग, जब तुमने यहां से फेंका तो डिस्प्लेसमेंट पोजीशन इसकी फ्रॉम दिस पॉइंट इट इज वेरिंग, बढ़ रही है, दूर जा रहा है, उसके बाद मैक्सिमम हाइट पे पास आता जा रहा है, वहीं आ जा रहा है। इसका मतलब ग्राफ, मान लो अगर मैं यहां से स्टार्ट करवाऊं इसको, तो कुछ ऐसा होना चाहिए। दोबारा इस पर्टिकुलर कोलिजन के लिए दोबारा ये ऐसा बन जाना चाहिए। मैंने ऐसा स्ट्रक्चर ही क्यों बनाया? कुछ लोग यहां पे आर्ग्यू कर सकते हैं, सर ऐसा भी तो बना सकते हैं, माला टाइप का स्ट्रक्चर, समथिंग लाइक दिस गार्लैंड। ऐसा इसलिए क्योंकि तुम तो एक तो मैथमेटिकली देख सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें इजी तरीका बताता हूं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी होता है,
वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या करता जा रहा है, डिक्रीज, 5 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 0 मीटर पर सेकेंड, स्लोप डिक्रीज करना चाहिए, डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, जीरो जीरो, क्लियर, वेलोसिटी इंक्रीजिंग बट इन नेगेटिव, स्लोप इंक्रीज करना चाहिए बट इन नेगेटिव, इंक्रीज 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 बट इन नेगेटिव, आई होप इट्स क्लियर। डिस्टेंस टाइम ग्राफ इसको मिटा लेते हैं, और अगर इसी सवाल में इसी पर्टिकुलर केस में किसी ने तुमसे पूछ लिया, देखो ये जो मैंने लास्ट में बताया ना ये काफी इंपॉर्टेंट है, आईआईटी नीट दोनों में किसी में कोई भी पार्ट पूछा जा सकता है, पूरा सवाल तो नहीं आएगा लेकिन इसमें से कोई भी पार्ट पूछा जा सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है। डिस्टेंस टाइम तो थोड़ा बहुत एक्सपर्ट तुम लोग भी अब हो गए होंगे, तो इस हिस्से के लिए कैसा बनाया जाए, तो आई होप सबका आंसर यही होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे जो भी हम लोगों ने देखा भी, और जो हम लोगों ने केस देखा था जिसमें डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज कर रहा है उसमें हम लोगों ने क्या किया था, क्योंकि डिस्टेंस तो डिक्रीज कर ही नहीं सकता यार, डिस्टेंस हैज टू इंक्रीज और इट हैज टू रिमेन जीरो, इसका मिरर इमेज डिस्टेंस बड़ा इंटरेस्टिंग बनने वाला है, अब यहां से भी ये डिक्रीज नहीं करेगा तो इस हिस्से का और ऊपर, इस हिस्से का फिर से मिरर इमेज और ऊपर, तीसरा पार्ट बना होता तो फिर वैसे ही घूम के, तो आई होप कि ये काफी इंटरेस्टिंग होता है ये टॉपिक, ग्राफ्स इज क्वाइट इंटरेस्टिंग टॉपिक, और मैथमेटिक्स तो खासकर आईआईटी स्टूडेंट्स के लिए मैं कन्वे करना चाहूंगा कि मैथ्स और फिजिक्स ये तो काफी पैरेलल चलते हैं एक दूसरे के, तो मैंने बहुत कम लोग देखे हैं कि जो लोग मैथ्स में अच्छे हों और फिजिक्स में बहुत ही खराब हों, या फिर फिजिक्स में अच्छे हो रहे हों और मैथ्स उनका खराब हो, ऐसा मैंने केसेस नहीं देखा, ये मेरा एक स्पेशल केस है कि मैथ्स और फिजिक्स अच्छी थी केमिस्ट्री खराब थी, ठीक है, तो आईआईटी नहीं पहुंचे एनआईटी पहुंचे, इसका क्या वो सब बात की बात है, आई होप ये समझ में आया तुम लोगों को, और अगले वीडियो के लिए वेट करें, और चैनल को यार सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, नॉलेज को शेयर करो लोगों के साथ, एंड स्टे मोटिवेटेड, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।